महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस से हटे एकनाथ शिंदे, बोले बीजेपी का सीएम मुझे मंजूर, बीजेपी जिसे सीएम बनाए मैं उसके साथ। शिंदे बोले कल पीएम मोदी से मेरी बात हुई, मैंने उनसे कहा मेरी वजह से सरकार गठन में कोई अड़चन नहीं होगी, मोदी का हर फैसला मुझे मंजूर। शिंदे बोले मैं अपने 2.5 साल के काम से संतुष्ट, सीएम नहीं हमेशा कॉमनमैन की तरह काम किया, मुझे सीएम पद की कोई लालसा नहीं। नाराजगी की खबरों पर शिंदे ने तोड़ी चुप्पी, बोले मैं नाराज नहीं हूं ना नाराज होने वाला हूं, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करता रहूंगा। शिंदे बोले कल दिल्ली में अमित शाह के साथ महायुति की बैठक मीटिंग में मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होगा। एकनाथ शिंदे की रेस से हटने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री तय, देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी में अब कोई अड़चन नहीं। महाराष्ट्र की नई सरकार में भारी भरकम मंत्रालयों के डिप्टी सीएम बन सकते हैं एकनाथ शिंदे, अगर डिप्टी सीएम पर नहीं माने तो मोदी कैबिनेट में हो सकती है एंट्री। सूत्रों के मुताबिक बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए एकनाथ शिंदे की बड़ी प्लानिंग, खुद सरकार से बाहर रहकर बेटे को बनाना चाहते हैं डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिंदे के ऐलान से पहले दिल्ली पहुंचे शिंदे सेना के सांसद, गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए, कहा अखबारों के मुताबिक करीब 76 सीटों पर गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम। बीजेपी सांसद संबित पात्र ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी के घर में ईवीएम मशीन है, ई मतलब एनर्जी, वी मतलब विकास और एम मतलब मेहनत। सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी के पास भी आरबीएम जिसका मतलब राहुल का बेकार मैनेजमेंट। सामने आई संबल के दंगाइयों की नई तस्वीर, पहचान के बाद तलाश में जुटेगी पुलिस, लोगों से भी दंगाइयों की पहचान की अपील। संबल पुलिस ने जारी की दंगे की कई आरोपियों की तस्वीर, अब तक 3 महिलाओं समेत 27 लोग गिरफ्तार। करीब 40 दंगाइयों की फोटो जारी, 24 नवंबर को पुलिस पर किया था पथराव, पुलिस की कई गाड़ियों में आगजनी भी की गई। संबल में पथराव को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा को घेरा, बोले सपा के नेताओं ने सर्वे टीम पर पथराव के लिए लोगों को उकसाया, जांच जारी है, बहुत जल्द सच सामने आएगा। अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका मंजूर, निचली अदालत ने हिंदू सेना की अर्जी स्वीकार की। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया, 20 दिसंबर को होगी सुनवाई, दोनों पक्ष पेश करेंगे अपने अपने दस्तावेज।